हे गाइस, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस, तो इधर से आविक और आपका वेलकम करती है आज के न्यू ब्लॉग में। दोपहर का 1 बज रहा है और गाइस घर पे भी मैं, दुग्गल जी और मेरा भाई है जो कि शॉप पे बैठा हुआ है, बीच वाला भाई, सबसे छोटा वाला भाई, मेरे से सेकेंड वाला नंबर वाला भाई और मम्मी गए हुए हैं पास के गाँव में। गाँव क्या मतलब, संगड़ा संगड़ा बहुत लोगों ने सुना होगा। तुम लोग को कुछ काम वाम थे अपने, तो वो लोग गए हुए वहाँ पे और मैं और बोर, कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये वाईफाई का थोड़ा सा अभी प्रॉपर है नहीं, थोड़ा स्लो है यहाँ पे ना नेट। तो भाई जिस चीज़ को बस आधा घंटा लगता है उस चीज़ को 2-2.5 घंटे जा रहे हैं मेरे, तो उसमें इन्हीं चक्करों में लगी पड़ी हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग शूट कर रही हूँ, है ना। खाना वाना बना पड़ा है और जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं आपको घराट दिखाऊंगी, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं घराट दिखाऊं आपको। तो ये लोग आ जाए, आने वाले हैं आधे घंटे तक में। सुबह गए थे 10:30-11:30 बजे, पास में ही, आधा घंटा लगता है जाने में, आधा घंटा आने में, नियर बाई है। तो ये है दुग्गल जी, अपना आराम से सो के मस्त चिल मार के ऊपर जाके घूम रहे हैं रोड पे। और मैं पहले भी काम कर रही थी, अब भी काम कर रही हूँ, है ना। नींद मुझे आ रही नहीं है, मुझे नींद कम आती है, है ना। पिछले 2 रातों से भी मुझे ऐसी टूटी फूटी नींद आती है। ये नींद आती क्यों नहीं है, ये मैं करोड़पति बनने वाली हूँ क्या? बोलते हैं जिनके जिनके सपने बड़े होते हैं उनको रातों को नींद नहीं आती, मेरे साथ कौन से वाला चक्कर है? ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग थोड़ा डिसाइड करके बताओ कि क्या चक्कर है, नींद क्यों नहीं आ रही है। और सुनने में आया है कि मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आज मैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस देख रही थी निकाल के, तो उसमें मेरा जो फिजिक है वो पतला है, और जो मैं अभी जो मैं देख पा रही हूँ खुद को, तो मैं थोड़ी सी अपने आप को मोटी दिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जाके वापस खतरनाक लेवल का वर्कआउट चालू होने वाला है ना। और बस फिर क्लासेस रहेंगी कंटिन्यू। और गाइस मेरे को आना भी नहीं था यहाँ पे ना, अभी मम्मी के घर पे, मतलब आने का प्लान था, मतलब आफ्टर सम डेज, अभी सडन नहीं। अभी भाई आया हुआ था, फिर जलंधर वाला भी भाई आया हुआ था, और साल में एक बार घर आता ही है ना, तो इस करके भाइयों ने भी थोड़ा सा बोला चलो। और फिर इनका दुग्गल जी का मन होता है, स्पेशली उनके लिए आई हूँ, ठीक है। दुग्गल जी घर में थोड़ा सा माहौल, एक ही माहौल में चेंज वो हो जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं, तो चेंज करनी चाहिए चीज़ें। तो इनका मन करता है यहाँ पर आने का अपने ससुराल, क्योंकि यहाँ एक तो एटमोसफियर एक नंबर है ना, काम धाम तो कुछ है नहीं यहाँ पर करने के लिए, लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। मुझे तो नहान स्लो लगता है अभी, और ये तो सुपर स्लो है भाई साहब। आप एक दिन या रह लोगे ना, आप ऐसे लगेगा कि 4-5 दिन हो गए हैं। रहने के लिए अच्छी जगह है, बट जो बंदा रिटायर्ड हो चुका है या जिनके पास पैसे पूसे या जिनके सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है लाइफ में, ख़त्म इन द सेंस डन हो चुका है, जो भी रहते हैं यार काम को, है ना, तो वैसा। तो यहाँ आके मस्त चिल मारो, यहाँ पे फार्म हाउस बनाओ, वीकेंड पे आओ या फिर मंथली जैसे भी आपको आना है, उसके लिए अच्छा है। अब यहाँ के लोग तो चलो खेती बाड़ी करते हैं, अब हमारा तो वो है नहीं ना काम, हमारा तो डांस का एक्टिंग का है। घर वाले मेरे शर्मीले हैं, गुड़िया होती, गुड़िया के साथ मैं रील्स बनाती, है ना। उन लोग को भी हम बोल नहीं पाए क्योंकि सडन ऐसा प्लान बन गया हमारा आने का। अब वो अलग चिढ़ेगी कि मेरे को भी नहीं बता के गई दीदी, अब क्या करना है यार, हमारा तो था नहीं अभी आने का। और दुग्गल जी के लिए स्पेशली मैं आई हूँ, जबकि मेरी क्लास में बहुत दिन से एबसेंट लग रही है, बट पहले तो फैमिली है ना यार, तो फिर इनको अकेला मैं भेज सकती थी, बट अकेला इनका दिल नहीं लगता, तो कहते नहीं तू साथ चल। तो फिर मैं भी बॉम्बे होके आई हूँ, अब बोलेंगे खुद तो घूमती रहती है, मेरा दिल कर रहा है तो आती नहीं है, तो इस करके मैं आ गई साथ में, है ना। कोई बात नहीं, कल चल जाएंगे, थर्सडे कल। हम यहाँ पर कितने दिन रुके हैं, 2 दिन रुके हैं, परसों रात में हम आए थे, है ना, मंडे की नाइट में हम पहुँचे यहाँ पर, और ट्यूजडे रुके हैं, वेडनेसडे रुके हैं, थर्सडे मॉर्निंग चले जाएंगे, तो ये सीन है, ठीक है गाइस। बाकी अपडेट कुछ नहीं है, बाकी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे बताना आप, है ना। बाकी आपको घराट वराट दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी दिखाने की। ये स्पॉट्स स्पूट मेरे कभी ठीक नहीं हुए हैं, ये आफ्टर डिलीवरी हो गए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर देम। विदाउट मेकअप मैं ऐसे कुछ दिखती हूँ। भाई ये मौसम देख के ना ऐसा लगता है कि भाई गर्मियां है नहीं, और ये कल वाली स्पीड से बारिश लगी हुई है वापस। और जस्ट अभी खाना वाना खा के निकलते हैं सब लोग, और जैसे खाना खा के निकलते
हमने सोचा था चल खाना वाना खा के घूमने जाएंगे नीचे नाले में, खाले में पानी के पास, बट ये वेदर देख के अब। हाँ कब चलना, कब चलना नाले पे? ओ बिजी विद वीडियो वीडियो शूट, बच्चे भीग रहे बेचारे, कैसे भग भग के आ रहे। ये तो जिंदगी है। हम भी जो छोटे होते थे ना स्कूल से आते थे ऐसे भाग, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे भागते थे हम भी। तेज पे तेज हो जा रही शिट यार, भीग गए यार, इनकी किताबें भीग जाएंगे बेचारों की। कोई बात नहीं, ये एंजॉय कभी बार बार कोई मिलता है यार। ये रोज बारिश हो रही है भाई यहाँ पे, ढाई और ढाई बजेंगे तीन बजेंगे वैसे बादल आ जाएंगे और बारिश हो जाएगी, थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। हाँ जी कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आके? जलंधर से अगर कंपेयर करेंगे आप अपने घर को, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से वेदर को लेके? इंग्लिश समझ रही? अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम, ठंडा मौसम और कुछ, ये तो नॉम कॉमन वर्ड्स हैं। अच्छा मौसम है, बढ़िया मौसम है, ठंडा मौसम है। एनीथिंग एल्स स्पेशल वर्ड्स फॉर दिस वेदर, स्पेशल वेदर? कद्दू से शक्ल का ये बच्चों ने देखते हैं, कुछ तो छतरी लेके आए हुए भाई। नहीं स्कूल वालों ने भी कही ना कि बच्चों को रोक लें यार, है ना गाइस। हम लोग ना शॉप पे आए हुए थे यहाँ पे, है ना, तो ये इनोसेंट सी बच्ची बैठी हुई है यहाँ पे प्यारी सी, जिसका की नाम है शीतल पवार, और ये इसकी एक सिस्टर है ब्लू ड्रेस वाली, और एक वो ब्लू ड्रेस वाली की फ्रेंड है। तो ये लोग घाटो एक गांव है, वो चोटी वो पहाड़ी देख रहे हो ना, उसके पीछे पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ टपके, एक गांव है घाटों जिसका नाम है, और वहाँ पे मैं एक साल पढ़ी हूँ, यहाँ से चल चल के जाती थी भाई मैं भी। तो ये बच्चे वहीं से डेली आते हैं यहाँ पे बड़क स्कूल, मतलब हमारे घर नीचे घर के पास जो स्कूल है वहाँ पे रोज़ आते हैं, रोज़ अप डाउन करते हैं। तो ठीक है, तो मैं इनसे काफ़ी देर से बातें कर रही हूँ, है ना, और ये बेचारा शाय शाय सा बच्चा है। चलो अब अपना नाम ज़ोर से बताओ जो सबको सुने बेटा। शीतल पवार। और इन आपका नाम बताओ? नीतिशा पवार। और अमृता? अमृता कंठ। कंठ कौन होते हैं बेटे? ठाकुर। अच्छा ठीक है, तो ये दो पवार मैडम हैं और वो कंठ मैडम हैं। और गाइस मैं इनको बोल रही थी कि तुम फेसबुक फ़ोन चलाते हो, पहले कहती शीतल नहीं नहीं नहीं, फिर कहती हाँ, तो उस पर मैंने बोला पेज को फॉलो करवा रही थी कि जैज़बीर खोलना, पता क्या कहती हम देखते हैं, कहते ऑलरेडी हमने देखा था आपको। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है और अच्छा भी है कि चलो ठीक है, गांव में बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं। डांस वीडियोस भी देखना, अब ये वाला भी देखना, ये व्लॉग में आएगा, ये आएगा परसों, कल शाम को या परसों, ठीक है हाँ। और अपने दोस्तों को भी बोलना, लाइक भी कर देना वीडियोस को, और कम जब तो देखेगी ना कमेंट कर देना हेलो, जो भी तुम मुझे बुलाओगे, बुआ जो भी है, क्या बुलाओगे, दीदी आंटी क्या? दीदी। हाँ चलेगा, तुम्हारा मेरा बेटा तुमसे बड़ा है वैसे। हाँ तुम कौन सी क्लास में हो? वो टेंथ में है। और ये कंठ कौन सी क्लास में? दोनों नाइन्थ में हो तुम। चलो कोई बात नहीं, पर अब नीचे कमेंट में अपना नाम लिख देना, शीतल पवार नितिशा पवार, है ना, ठीक है, लाइक करूँगी रिप्लाई करूँगी तुम्हारा। चलो बाय कर दो। तो गाँव के बच्चे गाइस मज़ा आता है इनसे बात करके। चलो मैं बात कंटिन्यू रखती हूँ, फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ थोड़ी देर के लिए। कौन से फोन में आती है? हैं उसमें आती हूँ मैं, फिर तू तभी देख रहा था मेरे को, ये तो जानी पहचानी सी लग रही कोई हैं। क्या दिख रहा था? झूला। झूला कौन सा रे? अच्छा नहान में जो मेला लग रहा था, आए थे आप उस मेले में हैं? उंडा उंडा ओरे उंडा उंडा रहा था नीचे में। आया था तू नहान? मेरे घर तो आया नहीं यार तू, मैं तो तेरा वेट ही करती रहेगी। तो तो मैंने बोला तो था रिंकू का, जब रिंकू जब नहान आएगा बेटे घर आइयो, उसने बताया नहीं मेरे को कि मैं आ रहा दीदी नहान।
ठीक है चल, अगली बार जब आएंगे तब आना अपने घर, ठीक है। कौन सी स्कूल जाते हो? वो कौन है, नब्बू चाचू? हैं पापा, पापा ज्यादा प्यारे हैं कि मम्मी? इधर हाँ, इधर इधर। पापा तो अपना क्या करता होगा? हैं गेम खेलता है, रोटी कुछ भी नहीं करता, कुछ काम करता है। ऐसे नहीं बोलते पागल, गेम खेलता है नहीं, खेलते हैं। तू तो ऐसे बोल रहा, तेरा छोटा भाई हो। और मैं भी खेलता ही हूँ। चल तेरा तो खेलना बनता है, पापा का तो ना बनता है। ग्रेनी खेलता है तू? डरता भी नहीं। डरता नहीं? अच्छा, नहीं डरना तो चाहिए, तू छोटा है फिर। मैंने दिल से क्वेश्चन पूछा, ग्रेनी आ गई ना सामने। हाँ सुई भी चुपाई में मर भी गई, अपना अपना उसका दरवाजा खोल दी और अरे बाहर अपना अपनी कर गए। अच्छा तेरी ग्रेनी वाली बात तो नहीं मेरे को समझ में आ रही, मेरे को तो एक बात बता, मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है कि पापा? ग्रैनी अच्छी लगती है। ग्रैनी की गेंद। अरे ग्रैनी गई तेरी फाड़ में, ग्रैनी को रख साइड में, इधर आ, इधर आ, इधर पहले तो ये क्या है, टमाटर है क्या? कलम है। ये कहाँ से लाया? ये लार का दादू है मेरे। कहाँ से? पता नहीं, धनवीर नाना जी ने। नानू लगते हैं वो मेरे? नानू तो लगते पर मैं नहीं। तेरे को तो कैसे बड़ा पता है नानू तो लगते, तू हैरान नहीं हुआ कि इसके कैसे नानू लग गए? लगते दूसरे पर है जो संगड़ा में तेरे तो। अच्छा बोल, अब तो आपके मम्मी के पापा है ना? फोन भी देखता हूँ उनका ज्यादा, अपने नानू का बस फोन ही देखियो। तू ग्रैनी करता हूँ और ये तो ग्रैनी में रह गया। ग्रैनी में मम्मी अच्छी, मम्मी फेवरेट है के पापा? मेरा नानू जो पर है। नानू फेवरेट है भाई, ना मम्मी ना पापा। फोन देता है मेरे, अब देख ले ये तेरी वीडियो ना, तेरी मम्मी देता हूँ फोन देता देता नहीं देते हैं बेटा, देते हैं ऐसे नहीं बोलते। जोर से बोल ले थोड़ा सा, तेरे को सुन नहीं रहा, हमारे को ऊंचा सुनता है। बंद हो रहा है, बंद हो रहा, मुंह तो नहीं बंद हो रहा, चल मुंह से तो बोल। मुंह बंद ही नहीं हो रहा। स्कूल जाते हो अब? क्यूँ इधर ही? किधर किधर? अच्छा आंगनवाड़ी है। कान गिर गया तेरा देखने से। वो देखो गिरा पड़ा कान, हे भगवान उठा दे जल्दी, कुत्ते ने खा लेना नहीं तो फिर। और सुन अब तू भी आएगा, अब तेरी मम्मी के फोन में तू भी आएगा, अब देख तू। और जो जो तूने अपनी पापा की पोले खोल रखी सारी आएगी उसमें, अब तेरी धुनाई होनी है, अब देख तू। अब तो तू गया काम से, अब क्या होगा तेरा, अब तेरा क्या होगा गोरिया कालिया? रिंकू बेटी अभी है ले, तू तो बोली नहीं मेरे भी पापा है रिंकू। बेचारे बच्चियां शरीफ होती हैं। है बेटा आपका नाम बताओ? आराध्या नाम बहुत है लड़कियों के, मेरे मेरे डांस क्लासेस में आती हैं, बहुत सारी आराध्या हैं। क्या नाम होगा इसका? आराध्या कौन सी क्लास में? सेकंड फिफ्थ में। तू क्या बनाओगे इसका? तब भी क्या बनाते तुम? ये मीरा की बेटी है, गांव की लड़की है एक मीरा वाइज, यहाँ पे उसकी बेटी है। देखो टाइम कैसे निकल रहा है ना, बाकी सब बड़े हो रहे हैं, मैं ही बड़ी नहीं हो रही भाई, ना शक्ल से ना अक्ल से। चलो तुम्हारे से बात की जाए फिर।